नमस्कार दोस्तों, आदर्श आईएएस एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम अनुश्री मिश्रा है। जैसा कि हम लोग सामान्य हिंदी में संधि पढ़ रहे थे, ठीक है, आज हमारा संधि का चौथा वीडियो रहेगा, जिसमें से मैं आपको व्यंजन संधि के कुछ बचे रूल समझाऊंगी, तो आप लोगों को समझ में भी आएगा सही से, ठीक है। तो मैंने आपको हिंदी स्टार्ट करी है और ये है मेरा शायद 10वां वीडियो होगा हिंदी में। तो मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया है हिंदी साहित्य का विकास, ठीक है, उससे रिलेटेड बातें बताई हैं, फिर मैंने आपको वर्णमाला पढ़ाई है और मैंने इसके सारे एग्जाम्पल कराए हैं। तो ये जो वीडियो है मेरे इस चैनल पर, ये आपके हिंदी, जिन विषय में हिंदी पूछी जाती है, ये सभी से रिलेटेड है। तो आपको, अगर आप कोई भी छोटा सा एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई बहुत बड़े लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, ठीक है। और शायद आपको मेरी वीडियो से हेल्प भी मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। होली वगैरह तो आपकी अच्छे से निपट गई होगी। अब हम लोग व्यंजन संधि पे फिर से आते हैं, ठीक है। व्यंजन संधि के बारे में अगर हम बात करें तो इसके बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया था। आज मैं आपको पहले हल्का सा रिवीजन कराऊंगी, उसके बाद हम लोग इसके बचे कुछ रूल्स पढ़ेंगे और आज हम विसर्ग संधि की भी स्टार्टिंग कर देंगे। बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर आप बुक से पढ़ती हैं विसर्ग संधि या बुक से पढ़ते हैं विसर्ग संधि, तो वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। तो आपको मेरे वीडियो से ये आसानी रहेगी। और सबसे बड़ी विशेष सूचना ये है कि आप मुझे एन अकेडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। अनुश्री करके मेरा है पेज, तो आप मुझे उस पर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं व्यंजन संधि के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि व्यंजन संधि क्या होते हैं। अगर प्रथम पद स्वर है और सेकंड पद व्यंजन है तो भी व्यंजन संधि, अगर सेकंड पद व्यंजन है और दूसरा पद स्वर है तो भी व्यंजन संधि, और तीसरा क्या है, अगर दोनों ही व्यंजन है तब भी व्यंजन संधि आती। मैंने आपको बताया था आदेश का मतलब क्या है, कोई वर्ण बदल कर उसके स्थान पर रख देना। अगम का मतलब क्या है कि उस जगह एक नया वर्ण आ जाएगा। लोप का मतलब क्या होता है, तो लोप का मतलब होता है कि किसी वर्ण को हटाकर, ठीक है, किसी वर्ण को हटाना क्या कहलाता है, लोप कहलाता है। उसके बाद आपका आ जाता है कि प्रकृति भाव, मतलब कि जो जैसे लिखते हैं हम उन्हें संधि में भी वैसा ही लिख देते हैं, तो ये आपके क्या हो गए, प्रकृति भाव हो गए। अब इसके बारे में बात करें, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो बस आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो पहले रूल में मैंने क्या बताया था कि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ, ठीक है, प्रथम वर्ण के साथ किसी सघोष वर्ण का योग होता है तो पांचवें अक्षर को छोड़कर। मैंने बताया था कि पहला जो आपका ऑप्शन है उसमें पहला जो नियम है उसमें पांचवें वर्ग को छोड़कर, और जो दूसरा आपका नियम है उसमें क्या है, उसमें है कि केवल पांचवें वर्ग को लेकर। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इसमें आपका क्या था कि जैसे लिखा है सदाचार, तो क्या है, जो हमारा दा है, दा, ठीक है, दा हमारा क्या है, तीसरा है, ता था दा, ठीक है, ता था और दा, तो तीसरे की जगह पे क्या हो जाता है, उसी वर्ग का पहला। तो दा का प्रथम वर्ग का पहला अक्षर कौन सा है, ता है, तो बस वही दा की जगह पे ता हो जाएगा। उसी तरह आपका दिगंबर है, ठीक है, दिगंबर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गा के स्थान पर क्या हो जाएगा, का, क्योंकि का जो है वो पहला है। अजंत, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अचंत, अच धन अंत। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद करते हैं, यही हमारा क्या है, नियम नंबर दो। नियम नंबर क्या है, दो है। इसमें क्या है कि लिखा है कि पांचवें वर्ग को लेकर, केवल पांचवा वर्ग। इसमें पांचवें वर्ग के बारे में बात की जा रही है कि जैसे आता है आपका पहला, जैसे पहला अक्षर आता है किसी वर्ग का प्रथम वर्ग आए, किसी वर्ग का प्रथम वर्ण आए तो उसके स्थान पर उसी का पांचवा लिख देते हैं, ठीक है, क्या लिख देते हैं, पांचवा। जैसे ताथा दाधा ना होता है तो ता का पांचवा क्या है, ना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी आपका, सतधन मार्ग। आई होप ये आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है, इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे लिखा है सन्नारी, तो ना है ना, तो ना का पहला अक्षर क्या होगा, ता, और उसके बाद जैसे लिखा है फिर आपका जगन मोहनी। देखिए ये एग्जाम्पल ऐसे हैं कि जो हर बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने कुछ, आपको लग रहा होगा कि मैंने ना का ही एग्जाम्पल लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये पेपर में ज़्यादा आते हैं इसलिए मैंने इन्हें लेने की कोशिश करी। तो जैसे क्या हो गया, जगन मोहनी, क्या हो गया, जगत धन मोहिनी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपका लिखा है वाग्धरी, क्या लिखा है, वाग्धरी, तो इसका क्या हो जाएगा, गा का क्या होता है पहला अक्षर,
का होता है ना का, तो क्या हो जाएगा वाक धन हरि, क्या हो जाएगा वाक धन हरि। फिर आपका युद्ध, तो क्या हो जाएगा युद्ध धन धा, क्या युद्ध धन धा। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब अगर हम बात करें कि नियम नंबर 3 की, तो लिखा है किसी वर्ग के प्रथम वर्ग का योग हो तथा बाद में हा वर्ण का योग हो, क्या हा, तो क्या होता है पहला वर्ग तीसरे वर्ग में बदल जाता है, क्या हो जाता है पहला वर्ग जो है वो तीसरे वर्ग में बदल जाता है, तथा हा के स्थान पर क्या आ जाता है चौथा वर्ण, हा के स्थान पर क्या आ जाता है चौथा वर्ण आ जाता है। तो जैसे देखते हैं कि लिखा है वाघ हरि, क्या लिखा है वाघ हरि, वाघ हरि, और ऐसे लिखा है वाघ वाघ हरि, ये घरी और ये हरी, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका हा के स्थान पर क्या आ जाता है उसके बारे में बात की जाती है, तो हा वर्ण का योग होता है। मतलब कि जैसे लिखा है तो क्या हो जाएगा आपका वाक, मतलब ये गा जो आधा अक्षर है इसकी जगह पर उसी वर्ग का प्रथम अक्षर आ जाता है। जैसे यहाँ पे आपका दा जो है आधा है तो ता आ जाएगा, अब जैसे यहाँ पे जा आधा है तो इसका में क्या हो जाएगा चा आ जाएगा, नीचे वाले में दा आधा है तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा ता आ जाएगा, तो क्या होगा सत धन धार। जैसे लिखा है अजीन, तो क्या हो जाएगा अच धन झीन, क्या हो जाएगा अच धन हीन। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रूल को, इस समय पढ़ा चुकी हूँ इसलिए इसमें ज्यादा टाइम नहीं ले रही हूँ, ठीक है, और आप लोगों को भी आते होंगे, आप लोग नोट्स इसी से बना लीजिएगा बकायदा कॉपी करके, ठीक है, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है नोट्स वगैरह पे। अब लिखा हुआ है आपको चौथा रूल, लिखा है वर्ग के चौथे वर्ग के बाद, किसी वर्ग के चौथे वर्ण के बाद तीसरा चौथे वर्ग का योग हो, तो अब लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। इसमें क्या बोला गया है कि प्रथम किसी वर्ग के चौथे वर्ग के बाद, चौथे वर्ण के बाद, तो देखिए इसके बाद देखिए यहाँ पे घ है तो ये चौथा ही तो है, चौथे वर्ण के बाद क्या लिखा है आपका तीसरा या चौथे वर्ण का योग हो, तो पहले वाले चौथे वर्ण के बाद तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे लिखा है कग्गज, क्या लिखा है कग्गज, तो क्या हो जाएगा इसका ये जो आधी गा है इसकी जगह पे आपका चौथा वर्ण आ जाएगा, और क्या हो जाएगा घा, क्या हो जाएगा घा से घड़ी है, तो क्या हो जाएगा कघ धन जा। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, और अगर आ रही होंगी तो आप मुझे कमेंट पे प्लीज लिख के बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है। अब बात करते हैं नियम नंबर 5 के बारे में, तो लिखा हुआ है कि यदि दा वर्ण के पहले, क्या लिखा है यदि दा वर्ण के पहले मूर्ध स्वर री आए, क्या री, तो मैंने आपको बताया था री की मात्रा कैसे लगती है, री इसकी तरह लगती है ना कि किसी चीज में ऐसा लगा दिया जाएगा, तो क्या लिखा है यदि दा वर्ण के पहले मूर्ध स्वर री आए तो दा के स्थान पर क्या हो जाता है ये आदेश हो जाता है, वो भी कैसा आधा, ये आदेश हो जाता है। चलिए बात कर लेते हैं कैसे, तो लिखा है मृमय, क्या लिखा है मृमय, तो क्या हो जाएगा ऋ के स्थान पर क्या हो जाएगा आपका देखिए दा आ जाता है, ठीक, तो ऋ के स्थान पर क्या हो जाएगा मृद धनमय, तो दा के स्थान पर क्या हो गया आपका ऋ। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई। उसके बाद उसी तरह लिखा हुआ है आपका मृणमय, क्या लिखा है मृणमय, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका मृद धनमय, क्या मृद धन मई, ये देखिए। इसके बाद बात करते हैं आपका लिखा है मृण मूर्ति, क्या लिखा है मृण मूर्ति, तो मृद धन मूर्ति, क्या हो जाएगा मृद धन मूर्ति। आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब नियम नंबर 6 के बारे में बात करते हैं, तो लिखा हुआ है यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर रहित मा हो, मतलब आधा मा हो, और इसके आगे का से लेकर मा तक कोई वर्ण आए, तो मा वर्ण के स्थान पर दो बदलाव आते हैं, कैसा, पहला तो ये बिंदी में परिवर्तित हो जाता है, दूसरा क्या है सामने वाले वर्ण का पांचवा अक्षर लिख देते हैं, मतलब कि ये बोला गया है कि ये अगर माँ आए तो उसके सामने जो अक्षर है उसका पांचवा अक्षर इसकी जगह पे लिख देते हैं, तो क्या लिखा है जैसे लिखा है संकर, तो क्या हो जाएगा सम धन कर, क्या हो जाएगा सम धन कर, या फिर का पांचवा अक्षर क्या होगा काखा होगा अंगा, तो क्या हो जाएगा संग धर्म कर, तो बात वही होगी लेकिन का पांचवा अक्षर आ जाएगा। अब बात करते हैं इसी के रूल की, और यहीं से आपका न्यू वीडियो स्टार्ट होता है, क्या होता है न्यू वीडियो स्टार्ट होता है, तो इसमें क्या है यदि माँ आधी माँ के बाद अंतःस्थ एवं ऊष्म व्यंजन, कैसे अंतःस्थ
अंतःस्थ एवं ऊष्म व्यंजन। देखिए, मैंने वर्णमाला वाला टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर किया है, और आई होप कि आप लोगों की ऐसी कोई शिकायत ना हो कि ये छूट गया है या ये नहीं समझ आया। अगर है तो आप मुझे कमेंट पे वो भी बताएं कि मैंने कुछ ऐसा नहीं कराया है। बाकी मैंने एग्जाम्पल वगैरह बहुत कराए हैं, और ये जो है अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, लुण्ठित वर्ग, इस तरह के पेपर में क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो प्लीज़ निवेदन है आपसे कि ध्यान से पढ़िए। तो क्या लिखा है, अंतःस्थ एवं ऊष्म व्यंजन आए तो बाद में क्या लिखते हैं, माँ की बिंदी लगाते। मतलब जैसे मैंने दो प्रकार बताए कि या तो माँ की बिंदी लगाते हैं, या तो माँ के पहले जो अक्षर आया है उसका पांचवा अक्षर लिख देते हैं। तो अब हम ये जानेंगे कि माँ की बिंदी कब लगाएंगे और पांचवा अक्षर कब लगाएंगे। ठीक है, तो बताया गया है कि अगर अंतःस्थ या ऊष्म व्यंजन में, मतलब क्या है, या रा ला वा शा शा हा, ये आए तो आप बिंदी लगाएंगे। और अगर इसके अलावा क्या है, इसके अलावा कोई भी वर्ग आता है, कोई भी वर्ण आता है, तब आप उनके सामने का पांचवा अक्षर लिख देंगे। क्या लिख देंगे, उनके सामने का पांचवा अक्षर लिख देंगे। तो अब बात करते हैं एग्जाम्पल के। लिखा हुआ है संरचना, क्या लिखा है, संरचना। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, सम धन रचना। क्या हो जाएगा, सम धन रचना। कैसे, देखिए आप खुद देखिए, ये जो माँ है, जैसे लिखा है संरचना, सॉरी ना, तो क्या है, इसके ऊपर बिंदी लगी हुई है। अब इसके आगे वाला कौन सा वर्ण है, अंतःस्थ एवं ऊष्म व्यंजन है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम यहां पर क्या लिख देंगे, माँ, बिंदी की जगह पे क्या लिख देंगे, माँ लिख देंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सम धन रचना। अब अगर बात करें संयोग, तो क्या हो जाएगा, बिंदी लगी है और ये कौन सा है आपका, ऊष्म व्यंजन है ये सा, तो इसमें क्या हो जाएगा, सम धन योग। क्या हो जाएगा, सम धन योग। अब जैसे लिखा है यहाँ पे संरक्षक, क्या लिखा है, संरक्षक, तो क्या हो जाएगा, सम धन रक्षक। क्या हो जाएगा, सम धन रक्षक। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब आगे बात करें तो क्या लिखा है, परि, मतलब कि बताया ये जा रहा है कि परि से जो आपके शब्द स्टार्ट होते हैं, क्या, परि से जो आपके शब्द स्टार्ट होते हैं, अगर वो आए तो आपको कैसे चेंज करना है, इसके बारे में बात की जा रही है। अगर परि और उसके बाद अधिक्रा, क्या है, परिधन अधिक्रा आए तो इन दोनों को मिलाकर क्या हो जाता है आपका, शा हो जाता है। क्या हो जाता है, शा, वो भी आधी शा। तो देखिए आप, लिखा है परिष्कार, क्या लिखा है, परिष्कार, तो क्या हो जाएगा, परि धन कार, और ये आधी सा गायब हो जाएगी क्योंकि इनका संधि विच्छेद किया जा रहा है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, परि धन कार। अब इसके बारे में बात करें परिष्कृति, किसके बारे में, परिष्कृति, तो क्या हो जाएगा, परि धन कृति। क्या हो जाएगा, परि धन कृति। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। क्या बताया मैंने कि परी से अगर स्टार्ट हो रहा है कोई शब्द, परी, और उसके बाद आपका का आ रहा है, या का में लगा नीचे ऋषि, ऋषि आ रही है, तो आप क्या करेंगे कि इसको चेंज कर देंगे, कैसे, आधी खटकोण वाली शाम है, इसमें खटकोण वाली शाम है, तो क्या हो जाएगा, परिश धनकार। अब बात करते हैं रूल नंबर सेकेंड की, थर्ड की, कि लिखा है यदि किसी वर्ग का व्यंजन रा, यदि किसी वर्ण का व्यंजन, ठीक है, और उसके बाद में रा और जो स्वर है ऊ हो, और उसके पहले रा हो, तो क्या हो जाता है, रा धन ऊ बराबर रू। क्या हो जाएगा, रा धन रू बराबर ऊ। तो जैसे लिखा है यहाँ पे निरूपाय, तो री को रू को हम रा और ऊ में बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा, निर निर धन उपाय। क्या हो जाएगा, निर धन उपाय। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे लिखा है निरुत्तर, तो क्या हो जाएगा, निर धन उत्तर। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे व्यंजन संधि ऑप्शन अगर आता है तो आप व्यंजन लगाएंगे, अन्यथा आपको संयोग संधि लगानी होगी। कौन सी संधि, संयोग संधि लगानी होगी। अब हम बात करते हैं
विशारद संधि के बारे में। देखिए गाइस, सबसे बड़ी विशेष सूचना ये है आपके लिए कि मैंने सारे रूल्स पढ़ाए हैं। अगर आप कोई अच्छा वीडियो देखते हैं या आप अच्छी बुक पढ़ते हैं तो आपको मेरी इस नोट से कोई भी संधि छूटी हुई नहीं मिलेगी। ये मेरी गारंटी है कि इन संधियों से छोड़कर अगर आपको पेपर में कुछ भी मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नियम नंबर एक की। वो नोट्स इसलिए बने हैं और इसलिए आपको समझाने में आसानी रहती है, इसलिए वीडियो का जो मिनट है वो कम रहता है। और जैसा कि आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको उसमें पता चल रहा होगा। अब बात करते हैं विसर्ग में, मतलब क्या होता है, ये जो बिंदियां दो लगी रहती है, अगर ये किसी भी संधि में लगी हैं तो बस आपको उन्हें क्या करना है, विसर्ग संधि कर देना है। तो आपको उनको क्या कर देना है, विसर्ग संधि कर देना है। अब आगे बात करते हैं नियम में। नियम में अगर हम बात करें तो आपका लिखा हुआ है कि यदि कोई भी स्वर, मतलब कितने होते हैं, 11 का, ठीक है, 11, और उसके बाद क्या है आपका, चा छा और शा, तालत्व अघोष आए, क्या है, तालत्व अघोष आए, तो कैसे वर्ण है, तालत्व अघोष वर्ण आए, जैसे चा छा शा आए तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, शा, विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है आपका, शा हो जाता है। लिखा है यदि कोई स्वर आए, किसके साथ आए, कोई 11 स्वर में इधर विसर्ग लगा हो, ठीक है, और उसके बाद दूसरे पद में क्या है, चा छा और शा, तालत्व घोष, कैसे आए, तालत्व घोष वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, शा, क्या हो जाता है, शा। जैसे बात करें, ये देखिए आधा शा आ रहा है, जैसे लिखा हुआ है निशुल्क, क्या लिखा है, निशुल्क, तो क्या हो जाएगा, आधी शा के स्थान पर क्या हो जाएगा आपका, विसर्ग, क्या आ जाएगा, विसर्ग आ जाएगा कि निधन शुल्क। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी और यहाँ पे आप विसर्ग चिन्ह में टिक लगा देंगे। अब जैसे यहाँ लिखा है अंताश्चु, क्या लिखा है, अंताश्चु, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, अंत, ठीक है, अंत, आधी शा है अंत। अब आधी शा की जगह पे आधा छा भी आ सकता है, छा से छतरी, और आधी खटको और आधी चा भी आ सकती है, तो इन दोनों के स्थान पर भी आपको विसर्ग ही लगाना है। जैसे लिखा है अंतश्चु, तो क्या लिखा है, अंतः धन चशु, अंतः धन चशु, और इसमें भी क्या हो गई आपकी, विसर्ग संधि हो गई। अब बात करें आपका क्या है, दुशासन, क्या हो जाएगा, दुशासन, तो क्या है, दुष धन दुह, दुष नहीं होगा कि आप दुशासन को दुष धन आसन लिखते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगी, विसर्ग लगाने हैं, विसर्ग संधि है आपकी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दुह धन।